ये ले, तेरे लिए बढ़िया सी रोटी लाया हूँ। ये रोटी ऑर्गेनिक है ना? ऑर्गेनिक ही है, मम्मी ने घर पे बनाई है। रोटी घर पर बनी है, पर जिस आटे से बनी है क्या वो ऑर्गेनिक है? मुझे नहीं पता, आजकल हर कोई ऑर्गेनिक होने की बात कर रहा है। मैं बताती हूँ क्या होता है सचमुच ऑर्गेनिक। अगर सिंपल वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन करूँ तो ऑर्गेनिक फूड वो होता है जिसे ग्रो करने में कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। और किसी भी फूड को ऑर्गेनिक लेबल करने से पहले जरूरी होता है सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन मिलने के लिए फार्म, लैंड, क्रॉप एंड फाइनल प्रोडक्ट सभी को टेस्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक फूड में टॉक्सिंस एंड केमिकल ट्रेसेस नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई इट इज बेटर फॉर यू एंड द एनवायरनमेंट। सिर्फ ये ही नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करता है हेल्दी सॉइल को, जो रिड्यूस करता है केमिकल पोल्यूशन को, एंड आल्सो फॉस्टर्स अ मोर सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम। रिसेंटली मैं गई थी आशीर्वाद के ऑर्गेनिक फार्म एंड फैक्ट्री में, वेयर आई गॉट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस लाइक वर्मी कंपोस्टिंग एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स मोर क्लियरली। फार्मर्स से मिलने एंड समझने के बाद आई लर्न दैट हर रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स के 200 से भी ज्यादा टेस्ट होते हैं टू अश्योर द क्वालिटी, उसके बाद ही ये आपके पास आते हैं। आशीर्वाद ऑर्गेनिक को मल्टीपल सर्टिफिकेशंस मिले हैं लाइक USDA ऑर्गेनिक्स, जैविक भारत, इंडिया ऑर्गेनिक्स एंड इंडोसर्ट। अमेजिंग है ना? आई कैन टेल दैट आशीर्वाद ऑर्गेनिक इज सचमुच ऑर्गेनिक। आप भी ट्राई कीजिए। ये बढ़िया है यार, अब से मैं भी सिर्फ ऑर्गेनिक ही खाऊंगा। पर तुझे कैसे पता ये सब? Well, because I follow my brains.